अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, आइए जानते हैं। श्रीमती रेखा बाहेती, श्रीमती बबीता जी गौड़, आप यहीं हैं? यहीं हैं तीनों बैठे, ठीक, अच्छा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो भगवान का नाम नहीं लेते फिर भी अच्छे से रहते हैं, और जो भगवान का नाम लेते हैं परेशानी में रहते हैं, क्या फर्क है? कौन बोला? ये तीनों। हाँ, ऐसा देखा भी जाता है। क्या होता है कि जैसे कोई प्रभु का नाम जप नहीं कर रहा और बड़ा लौकिक पदार्थों से भरा पूरा देखा जाता है, सुखी देखा जाता है, तो उसमें हमारे भागवतिक विधान में एक सिस्टम है। जो भगवत मार्ग से विमुख आचरण, पापाचरण, अधर्माचरण करता है और आपको सुखी नजर आ रहा हो, तो उसके बहुत थोड़े पुण्य हैं। उनको भुगाने के लिए पहले हमारे संविधान, भागवतिक संविधान में उसके पुण्य नष्ट करें, क्योंकि जब उसे दुख मिलेगा तो पुण्य उसका सहयोग कर देगा, इसलिए पहले उसके सहयोगी का नाश किया जाता है। उसका सहयोगी जो सुकृत है उसको दे दिया गया, अब वो पापाचरण में और उन्मत्त हो गया, अब उसके वो सुकृत चल रहे इसलिए उसे जुकाम भी नहीं होगा। अब वो सोचता है कि कुछ नहीं, कोई निर्णय नहीं, कोई भगवान नहीं, मनमानी पापाचरण करो, खूब मौज से रहो, और वो सुकृत उसके नष्ट हो रहे हैं। और जिस दिन उसके सुकृत नष्ट हुए, फिर मिटिया मेट होते हुए देखा है, देखा है, शास्त्रों का विधान तो है ही, हमने देखा है। एक ठाकुर रामबली सिंह जमींदार आसपास बंदूक लेके चलते, ऐसा बच्चापन में उनको देखा हमने। वो ऐसे मतलब अपने गर्भ में रहते थे कि किसी को कुछ नहीं मानते थे। एक गरीब ब्राह्मण था जिसकी उन्होंने संपत्ति का अपहरण किया, तो वो गया और हाथ जोड़ा कि लंबरदार, गांव में ठाकुर जमींदार को ऐसे प्यार भाषा में बोले, लंबरदार, आप तो राजा हो, आप तो ठाकुर हो, आप तो जमींदार हो, हम गरीब ब्राह्मण हैं, उतने से ही परिवार चलता था, आप गालियां बके। उन्होंने पैर छुआ ब्राह्मण ने ऐसे और रो दिया और वापस आ गया। जानते हो आज उनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं। कुछ ही दिनों में बड़ा लड़का भयंकर कैंसर से बीमार हुआ, मर गया, दूसरा दिमाग खराब हो गया, तीसरे की टांग टूट गई, चौथा लेबरी करके उनको जो खवाने वाला था पीलिया हो गई, और आप अफीम के इतने नशेबाज बन गए कि धीरे धीरे सब जहां उनके आगे पीछे बंदूक लेके चलते थे, वहां मक्खी उड़ाने वाला कोई नहीं रहा, और एक पशु की तरह मरे जब कोई फेंकने वाला नहीं, ऐसी स्थिति। होता क्या है कि शुभ कर्म जब तक हमें वहां के हमारे भागवतिक विधान में सिस्टम है, यदि आप अधिक पाप करेंगे तो आपके जल्दी से जल्दी शुभ कर्म आपको दिए जाएंगे, कि वो नष्ट हो तब तुम्हारा नाश शुरू होगा। और जब आप भागवतिक कार्य करते हैं तो देख लिया गया ना कि आप संभल रहे हो, तो आपको कोई बाधा ना पहुंचा सके, इसलिए आपके जो पाप कर्म है उनको फेंक दिया गया, कि उधर से खाली करो, जो उसके शत्रु पक्ष के पाप कर्म जमा है उसको नष्ट करने के लिए उनको भेजो, क्योंकि इस समय धर्म निष्ठा में है, ये पचा जाएगा, तो उसके पाप कर्म आते हैं और धर्म में प्रबल होकर के उन पाप कर्मों को भोगता है, धर्मात्मा बन के चलता है। जिस दिन उसके पाप नष्ट हुए, वो सुकृत और ये वर्तमान के सुकृत मिल गए, उस दिन जय हो जाती उसकी, कोई पराजय सजयती त्रिभुवन में उसकी जय जयकार हो जाती, और उस पापात्मा का ऐसा नाश होता है कोई पानी देने वाला नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि पापी पुरुष मौज से है और धर्मात्मा कष्ट से है, उसके रहस्य को नहीं जानते इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। समझ पा रही हो?